जिनके घर में गणेश पुराण की पूजा होती है, गणेश बंधन स्मरण होता है, न तत्र राक्षसा भूता, उस घर में भूत प्रेतों का प्रकोप नहीं हो सकता। सुन लीजिए, जिनके घर में गणेश पूजे जाएंगे, गणेश जी का स्मरण होगा, उस घर में भूत प्रेतों का चक्कर नहीं चल सकता। ग्रहाबाल ग्रहण नैव पीड़ा कुर्वन्त कर्यचित, जिनके घर में गणेश जी की पूजा होगी उन घरों में छोटे बच्चों को बीमारियां नहीं फैलेंगी। बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो उन्हें भारी कष्ट होता है, भारी वेदना होती है, इसको बाल पीड़ा कहते हैं। तो ग्रंथ में लिखा है, ग्राह्य बाल ग्रह नैव पीड़ा कुर्वन्त कर्यचित, छोटे छोटे बच्चों को किसी भी प्रकार का कष्ट, किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। जिनके घर में ये गणेश का पूजन होगा, गणेश जी की महिमा गाई जाएगी, तो आज का दिन पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिव्य। यज्ञानाम सांग जातानाम सर्वेशाम दक्षिणावताम, आज के समय में रोज यज्ञ तो हो नहीं सकते, लेकिन गणेश की महिमा सुनने से यज्ञ का ही पुण्य प्राप्त होगा। फलम कस्तुल यामासा पुराण श्रवण, इतनी बड़ी महिमा, हेम भार सहस्राणी विप्रेभ्यो भक्त वावता तथा तो श्रवणाम पुण्यम प्राप्त भक्त मान। बहुत सोना दान देने पर जितने पुण्य की प्राप्ति होती है। भैया ये दिन ऐसे अद्भुत हैं, श्रीमद गणेश पुराण की कथा सुनने से यह उतने फल की प्राप्ति ये वर्णित की गई है, इतना बड़ा महात्म। तो ये 12 नाम रोजाना जो मैं आपको चर्चा कर रहा था, ये द्वादश जो नाम है इनको बिल्कुल कंठस्थ कर लो। पहला नाम है सुमुख, दूसरा नाम है एकदंत, तीसरा नाम है कपिल, चौथा नाम है गजकर्ण, पांचवा नाम है लंबोदर, अगला नाम है विकट, और अगला नाम है विघ्ननाशक, और अगला नाम है विनायक, और अगला नाम है धूम्रकेतु, और अगला नाम है गड़ाध्यक्ष, फिर है भालचंद्र, फिर है गजानन। कितने हो गए गिनना? 12 हो गए। संस्कृत में एक ही श्लोक में आ जाते हैं, सुमकशैक दंतस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदरस विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गड़ाध्यक्षो भालचंद्र गजानन द्वादशैतानि नामानि या पटेष्णु यादव विद्यारंभे विवाहे च मित्रत्वे प्राण। विवाह के समय पर, यात्रा के समय पर, धन समाप्त हो रहा है ऐसे समय पर, गरीबी बड़ी है, दरिद्रता बड़ी है, घर में कोई व्याधि है, बीमार है, एक कटोरी में जल भरी है, 12 नाम बोलिए, 12 नाम 12 बार बोल लें, रोगी को आप पिला दीजिए, फायदा मिल जाए। भगवान गजानंद के नामों का इतना बड़ा प्रभाव है। प्रातः उठाए सुबह जाग करके अपनी पूजा में, जब आप पूजा में बैठते हैं तो इन 12 नामों को लेकर के अपनी नित्य की पूजा आरम्भ कीजिए। हम लोग ऐसा ही करते हैं, बड़ा आनंद होता है, बहुत आनंद।